आज मैं आप लोगों के साथ आटा मोमोज की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और इन सर्दियों में आप इन्हें बनाकर बच्चों को दे सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी है। इसमें तरह तरह के वेजिटेबल हम यूज़ करते हैं। तो चलिए फिर ये बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक बोल में एक कप आटा ले लिया है। ये गेहूँ का आटा है। आप चाहें तो इसकी जगह मैदा भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आधा मैदा और आधा गेहूँ का आटा ले सकते हैं। थोड़ा सा इसमें हम सफ़ेद नमक डाल रहे हैं। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें। एक चम्मच इसमें हम खाने वाला तेल डाल देंगे। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब इस मिक्स में हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और डो बनाकर तैयार करेंगे। डो हमें बहुत ही ज़्यादा हार्ड भी नहीं रखना और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। डो हमने तैयार कर लिया है। अब हम इसे 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तो जब तक हमारा डो रेडी हो रहा है हम स्टफिंग तैयार कर लेंगे। स्टफिंग बनाने के लिए हमने यहाँ पर ये पैन ले लिया है। पैन में हम 2 से 3 चम्मच तेल डाल देंगे। तेल हमारा अच्छे से अब गर्म हो गया है। फ्लेम को अभी हम लो रखेंगे और अब हम इसमें अदरक और लहसुन डालेंगे। ये मैंने 1 इंच अदरक लिया है और 4 से 5 लहसुन कद्दूकस करके ले लिए हैं। इसके साथ ही मैं इसमें 2 हरी मिर्च डाल रही हूँ। अगर आप ये बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च ना डालें। मिर्च इसमें आप अपने स्वाद अनुसार ही डालें। अब मैंने यहाँ पर एक छोटा कटा हुआ प्याज लिया है, ये भी हम इसमें डाल देंगे। अब प्याज को और बाकी चीज़ों को हम हल्का सा भून लेंगे। अब इसमें हम गाजर डाल रहे हैं। ये मैंने आधी गाजर ली है जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। इसके साथ ही हम इसमें आधा कटा हुआ शिमला मिर्च डाल रहे हैं। 3 से 4 बीन्स हमने यहाँ पर कट करके ले लिए हैं, ये भी हम इसमें डाल देंगे। सब्जियाँ इसमें आपको जो भी पसंद हो आप डाल सकते हैं या फिर हटा भी सकते हैं। अब हमने यहाँ पर 1 कप पत्ता गोभी लिया है जिसे मैंने बारीक काट लिया है। फ्लेम को मैंने अब मीडियम रखा है। सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम थोड़ी सी कटी हुई हरी प्याज डाल रहे हैं। इसके साथ ही मैं इसमें 2 चम्मच कटा हुआ हरा धनिया भी डाल रही हूँ। इन सभी सब्जियों को अब हम मिक्स करेंगे और लगभग 1 मिनट तक इसे हम और पका लेंगे। फ्लेम को मैंने मीडियम ही रखा है। सब्जी हमारी पक गई है तो फ्लेम को अब हम बंद कर देंगे और स्टफिंग को थोड़ा सा ठंडा हो जाने देंगे। अब हमारा जो ये मिक्स है ये ठंडा हो गया है तो अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक इसमें आप पहले से ना डालें। अगर आप पहले से इसमें नमक डाल देंगे तो ये पानी छोड़ देगा। थोड़ा सा इसमें हमें यहाँ पर काली मिर्च पाउडर डालना है। काली मिर्च का पाउडर इसमें आप अपने स्वाद अनुसार डालें। मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही डाला है। 1 चम्मच इसमें हम सोया सॉस डालेंगे। अब इन सभी चीज़ों को हम आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्टफिंग हमारी रेडी हो गई है तो स्टफिंग को अभी हम साइड में रख देंगे। आटे को रखे हुए भी हमें 20 मिनट हो चुके हैं।
तो हम इसे वापस से हल्का सा गूँथ लेंगे और इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बनाकर तैयार करेंगे। लोई हमें पूड़ी की साइज़ से थोड़ी सी छोटी रखनी है। इसी तरीके से सारी लोई बनाकर तैयार कर लेंगे। अब इन लोइयों से हम छोटी छोटी पूड़ी बेल लेंगे। पूड़ी हमें थोड़ी सी पतली ही रखनी है। तो ये पूड़ियाँ हमने बेल ली हैं, अब इनसे हम मोमोज तैयार करेंगे। तो अब हम मोमोज तैयार करेंगे, इसके लिए मैंने यहाँ पर एक पूड़ी ले ली है और इसमें हम स्टफिंग डालेंगे। तो स्टफिंग मैंने यहाँ पर 2 चम्मच ली है, इसमें हम ज़रूरत अनुसार ही स्टफिंग डालेंगे। अब बॉर्डर पर हमें पानी लगा लेना है ताकि जो मोमोज हैं वो अच्छे से सील हो सकें। हम जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम एक छोटी सी पोटली बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा एक मोमो बनकर तैयार हो गया है। इसी तरीके से हम बाकी के मोमोज भी बनाकर तैयार कर लेंगे। आज ये मोमोज हम बिना स्टीमर के बना रहे हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ये छेद वाली एक थाली आती है ये ले ली है। इसमें हमने थोड़ा सा ऑयल ग्रीस किया है। अब हमने जो मोमोज बनाकर तैयार किए हैं उन्हें हम इस प्लेट में लगा देंगे। अगर आपके पास ये छेद वाली थाली नहीं है तो आप इसके लिए आटा वाली छन्नी भी यूज़ कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखें कि वो जो छन्नी है वो प्लास्टिक की ना हो। अब मैंने यहाँ पर एक पतीले में पानी बॉयल होने के लिए रखा था। पानी मैंने 2 ग्लास लिया था। मीडियम फ्लेम पर लगभग 5 मिनट तक मैंने पानी को गर्म कर लिया है। अब मोमोज़ को हम लगभग 10 से 12 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। तो ये देखिए अब जो ये मोमोज़ हैं ये पक गए हैं। इन्हें पकाते हुए मुझे लगभग 12 मिनट हो चुके हैं। मोमोज़ पकते ही अपना जो कलर है उनका चेंज हो जाता है, थोड़ा सा डार्क हो जाता है वाइट से। आपको देख कर ही समझ में आ जाएगा कि ये मोमोज़ अब पक चुके हैं। तो इन मोमोज़ को अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी के बचे हुए मोमोज़ भी इसी तरीके से स्टीम कर लेंगे। तो ये देखिए देखने में ये मोमोज़ कितने ज़्यादा टेस्टी दिख रहे हैं, ये खाने में भी उतने ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और बच्चों को अगर आप ये रेसिपी बनाकर देंगे तो ये काफ़ी हेल्दी ऑप्शन भी है, क्योंकि इसमें कई तरह की सब्जियों का यूज़ हुआ है, आटे का यूज़ हुआ है। तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर पर ट्राई ज़रूर करें।